और कमाल कर दिया चालू से पुत्रों, कमाल कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल कमाल कर दिया। अबे काम करो, तुम ही लोग मुझे आइडिया दो, माइंड मत करना यार, और दुनिया के टॉर्चर सहसे करना, मेरा माइंड बिल्कुल परेशान हो गया है। अब तुम लोग मुझे कुछ थॉट दो। अरे पापा, आप इतनी कहानियां लिखते हो, अपनी कहानी नहीं ठीक कर सकते हो? अबे ओए ओए स्क्रिप्ट राइटर की औलाद, और क्या कह दिया तूने, वाह वाह। तो मैंने कहा कि मैंने अर्ज किया है कि किसी का पेन छिन गया, किसी का अच्छा टाइम था मगर गया। अब चंद विलन को बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि जो हम लिखेंगे वही कहानी होगी इसकी। तुम तो गाली नहीं दे रही यार, आ जाओ। पता नहीं कैसी मुसीबतें आ गई। अरे पैसों को छोड़ो जान, जान है तो जहान है, वरना सब शमशान है। पता नहीं क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। नमस्ते। शनि की दृष्टि वक्र है और साथ में राहु केतु की युति चल रही है, यानी कि समय बड़ा भारी चल रहा है, इसकी जान को खतरा है। आपकी जान को? नॉनसेंस है। और तुम जुम गए देखा बाबा, अगर ये नारियल 2 इंच इधर पड़ता तो तुम्हारे इस नारियल का क्या होता? नहीं नहीं। इसलिए कहता हूँ ये आज का 3रा घात था, और 4थे घात से तो भोलेनाथ ही बचा। रुक जा बच्चा, रुक जा, गुरुदेव से मुख मोड़ के मत जा, गुरुदेव अंतर्यामी हैं। अरे अरे, हमें यमदूत का वाहन आता हुआ नजर आ रहा है, वो देखो। महाराज क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने पति के प्राणों की रक्षा करनी होगी, उसकी घात को टालने के लिए महाव्रत रखना होगा, 21 दिन का महाव्रत। रखोगी? हाँ जी जी जी, रखूंगी महाराज, रखूंगी। बच्ची, व्रत का मतलब जानती हो? सिर्फ खाने पीने का संयम नहीं, हर बात पे संयम रखना होगा। फ्रिज से लेकर पति देव तक कीप सेफ डिस्टेंस का लेबल लगाना होगा। मुझे मंजूर है महाराज, अब जो कहेंगे मैं करूंगी। निशा, आई डोंट बिलीव दिस, आई डोंट टॉक, आई डोंट। मुझे छू मत, दूर हटो, दूर हटो। महाराज, महाराज, सॉरी, नो टच। निशा, इन बातों में विश्वास मत रखो। कहा ना मैंने, निशा छू मत मुझे, मुझे गुरुदेव, दूर हटो। रिलैक्स मैन, रिलैक्स, 21 दिन तो यूं निकल जाएंगे, यूं। बकवास मत किया करो, ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बड़े साहब तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्हें फिक्र हो रही थी कि फ्रस्ट्रेटेड होकर कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा काम न कर रहे हो। कहाँ है वो, बुलाओ। अभी बुला कर लाता हूँ। राव साहब, इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, क्या बात है? अपने बड़े साहब को बुला लो, उन्हीं के सामने बात कर लेते हैं। बड़े साहब? कौन बड़े साहब? यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। राव, तुम्हें कैसे पता चला कि आईने के पीछे मैं हूं? मिस्टर बलदेव चोपड़ा, मुझे पता चल गया कि हर चीज के पीछे तुम ही हो। राव से गद्दारी करवाने के पीछे तुम हो, शेर सिंह की बर्बादी के पीछे भी तुम हो, और इसे नकली शेखर बनाने के पीछे भी तुम ही हो। नकली शेखर? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं इंस्पेक्टर, जानते भी हो क्या बोल रहे तुम? जितना मैं जानता हूं वो तुम सबको जिंदगी भर जेल भिजवाने के लिए काफी है। याद है वो रात जब आपके बेटे विकी ने निशा के पिताजी का कत्ल किया था? इंस्पेक्टर, आगे नहीं आना, मैं गोली चला दूंगा, गोली चला दूंगा इंस्पेक्टर। उस हादसे में कई लोग मारे गए, लेकिन विकी बच गया। डैडी,
और जब वो आपके सामने पहुंचा तो हैरत और खुशी से आपकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विकी, डैडी, तू जिंदा है? डैडी, थैंक गॉड, तू जिंदा है। और फिर विकी का जला हुआ चेहरा प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोदी ने ठीक किया। डॉक्टर साहब, आपने कमाल कर दिया। कोई कह भी नहीं सकता कि विकी का चेहरा जल गया था। अरे ये तो कुछ भी नहीं है चोपड़ा साहब, आपको तो पता है कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। अगर मैं चाहूं तो इसका चेहरा आपको और आपका चेहरा इसको दे सकता हूं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। विकी का चेहरा तो ठीक हो गया लेकिन उसकी किस्मत नहीं। खून के इल्जाम से बचा रहे इसलिए खुद अपने ही घर में बंदी होकर रह गया विकी। लेकिन उसी वक्त राव साहब ने आपको बताया कि शेखर ने उसके 50 लाख के घपले को पकड़ लिया। राव, तेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तू 50 लाख का इंतजाम कर ले या फिर जेल चला जा। नहीं, एक तीसरा रास्ता भी है मेरे पास। मैं शेखर को ब्लैकमेल करूंगा। ब्लैकमेल करेगा? हाँ, उसने निशा के अलावा एक और शादी की है और अब अपनी दोनों बीवियों को यह जता रहा है कि वो एक नहीं दो अलग अलग इंसान है, एक शेर सिंह और एक शेखर। तुमने मुझे 50 करोड़ का राज बताया है। हाँ? और उसी वक्त आपके दिमाग में इस खतरनाक चाल ने जन्म लिया और एक बार फिर आपने अपने बेटे विकी की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। कहानी तो बड़ी दिलचस्प सुनाई आपने इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपके पास इसका कोई सबूत भी है? अच्छा, इंस्पेक्टर नायक। बड़े से बड़ा मुजरिम भी छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा जाता है विक्की, और तुमने भी वही गलती की डॉक्टर मोदी को 5 लाख का चेक देकर। तब मैंने सोचा कि आखिर शेखर और एक प्लास्टिक सर्जन के बीच क्या लेने देना। बस तो डॉक्टर साहब को रूटीन इंक्वायरी के लिए बुला लिया। बेचारे शरीफ आदमी सब कुछ तोते की तरह पट 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 बोलने लगे। चोपड़ा साहब, कहानी खत्म। अब आप सब जिंदगी भर जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए कमान। हमसे जेल में चक्की पिसवा कर तुम्हें क्या मिल जाएगा इंस्पेक्टर? अखबार के किसी तीसरे चौथे पन्ने में तुम्हारा नाम छप जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमें पता है कि आप एक बहुत ही ईमानदार इंसान हैं, लेकिन ईमानदारी के चूल्हे पर सिर्फ आदर्शों की खिचड़ी पकती है। सपनों के पकवान खाने हो तो थोड़ी बहुत बेईमानी तो करनी पड़ती है। हाँ इंस्पेक्टर, इस राज को छुपाने के लिए और हमसे हाथ मिलाने के लिए हम तुम्हें 25 लाख 50 लाख 1 करोड़। Oh God. चार दिना दा प्यार हो रबा बड़ी लंबी। ओए तू, मैंने रोटी दे रही है कि रोटी डाल रही है? मैं कहना कीप सम रिस्पेक्ट। गुड। दूध क्यों नहीं पिया? मुझे नहीं पीना। तो फिर क्या अपने बाप की तरह मेरा खून पीना है? जब देखो तब जिद, जब देखो तब जिद। ओए, अब बच्चे को क्यों मार रही है? तो क्या इसकी सारी जिदें पूरी कर इसे भी आवारा बनने दूं, ताकि बड़ा होकर ये भी अपने बाप की तरह गुल खिलाए? ओए बिहेव योरसेल्फ, बता तो चुका हूँ किन हालात में शादी हुई है। ढोलक बन गया हूँ इमोशन में, कभी इधर से बज रहा हूँ कभी उधर से बज रहा हूँ। अरे ढोल की बोल खुली तो मुंह खुला। मन में पाप नहीं होता ना तो जिस टाइम शादी की थी उसी टाइम आके गांव में बता देते, शादी माफ भी कर देती, पर नहीं, 7 साल तक धूल के फूल खेलने दिए। रात रात भर स्टोरी सिटिंग चलती थी, अब पता चला किसके साथ और कहां सिटिंग होती थी। कहते थे निशा से मत मिलना, मिलने से हमारे बच्चों में कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स? अरे ये नहीं कहा कि भांडा फूट जाएगा? खुद से फोन में लंबी चौड़ी बातें क्या करते थे? हेलो शेखर जी, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? डबल रोल की कैसे दिखाते थे? मैं चली समझ न सकी कि चोर की दाढ़ी में। ओए बंद कर अपना रिकॉर्ड। हां खाना खाने देगी कि नहीं? जितनी बार निवाला मुंह को लगाता हूं को सुना डालती है। हां खाने नहीं देना था तो खाना दिया क्यों? वो देखा किसका फोन है, उठा। हेलो। हेलो स्वीटी, की हाल है पुत्र? बहू जी। हेलो स्वीटी, की हाल है पुत्र?
रही है? क्या बात है बेटा? तू हाथ जोड़ दो। खुश हो? हेलो, कौन बोल रहा है? मेरी वोटी को ला दिया। और कौन बोल रहा है? दामा जी, मैं बोल रहा हूँ। भाऊजी पैरी पहना। पैरी पहना ठीक है, लेकिन ये स्वीटी रो क्यों रही है? और कुछ नहीं, इमोशनल हो गई वो। वो बोलती अजीब कार्टून टाइप की फैमिली है मेरी, महीनों महीना मेरे साथ कॉन्टेक्ट नहीं करते। मुझे दीजिए ना, मैं बात करती हूँ ना। पुत्र स्वीटी को दो। नहीं, वो रो के चलेगी उसको। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। अरे जरा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। नहीं, और जोर से बोलिए। थोड़ा और जोर से बोलिए। और जोर से बोलिए। हाँ, कट गया लगता है, आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज नहीं आ रही, चिल्ला चिल्ला के मेरी आवाज की पता है। लेकिन जब उनको पता चलेगा तुम्हारे लफड़ों का, तो तुम्हारी कब्र खुद जाएगी। अरे कब्र तो मैं खोदूंगा उस बदमाश की, जिसने मेरी मस्के जैसी जिंदगी को भूल भुलैया बना रखा है। मगर यारो, आखिर मेरा यह शक्ल मुझसे चाहता क्या है? अरे दौलत चाहता है यार, और क्या दौलत? ये क्लियर करेंगे। अरे चलिया सुन, अगर इसको दालत में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो शेखर बन के निशा के पास क्यों जाता? शेर सिंह बन के स्वीटी के पास भी तो जा सकता था। अब चक्कर समझ में आया। शुक्र है इसको समझ में तो आया। लगता है बैंक में चक्कर लगाना ही पड़ेगा। वाह वाह, शेर सिंह ने अपने सिग्नेचर बदल दिए। ये मोदी को अपने पैसे मिल गए, राव को अपने पैसे मिल गए, और तुम्हें भी अपने पैसे मिल गए। लेकिन जब मेरा वक्त आया तो शेर सिंह ने अपने सिग्नेचर बदल दिए। पांगे, शेर सिंह को जितना तुम भोला और मासूम समझते हो उतना वो है नहीं। वो कमीना राइटर भी है और फाइटर भी, और उसने मुझे टोटे टोटे कर देने की धमकी भी दी है। ये टोटे टोटे क्या होता है? यही टुकड़े टुकड़े। वो तुम्हारे साथ कुछ भी करे, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ बेईमानी की, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाय पांगे, पांगे के साथ पंगा मत लेना। मुझे मेरे पैसे एक हफ्ते के अंदर मिल जाने चाहिए, समझ गए ना? वरना पांगे साहब सुनिए, पांगे साहब बात तो सुनिए। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पैसे का बंदोबस्त मैं कर लूंगा, और फंसेगा शेर सिंह। ओए अंदर आ जाओ। रोज रोज पता नहीं हजारों मुसीबतें आ जाती है, आप भी आ जाओ। और कौन है भाई? अरे माँ, कोई बोलेगा नहीं। मेरी बच्ची। अरे ओए पुत्र। ओ ससुर जी, सासू जी पैरी पहना। बगैर बताए कैसे हुआ आना? लोग बगैर बताए दूसरी शादी कर लेते हैं, हम बगैर बताए कहीं आ जा भी नहीं सकते। पानी लाना पुत्र, आप कहना क्या चाहते हैं? अगर हमारी बेटी खुश नहीं रह सकती तो आपकी बहन को भी मुस्कुराने का कोई हक नहीं है। हाँ, तुम अपनी दूसरी पत्नी और उसका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, या तो अपनी बहन को अपने पास रख लो। ले वोटी खाना नहीं खाने देती, उसका भाई पानी नहीं पीने देता। चलो स्वीटी। कहाँ? अपने घर। मेरा घर तो यही है, और मैं अपना घर छोड़ के परायों के साथ क्यों जाऊं? पराए? शादी के बाद अगर बेटी पराई हो जाती है तो बेटी के लिए भी उसके घर वाले पराई हुए ना। और प्राजी, पराए लोगों के घर की चिंगारी से अपना संसार नहीं चलाते। फेरे लेते वक्त जिसके साथ सुख दुख में साथ निभाने की कसमें खाई थी, आज उसी को छोड़ देना चाहते हो? क्या गलती है इसकी? लेकिन बेटी, अब आपके घर की बेटी ये है, और अगर किसी ने इसे तकलीफ पहुंचाई ना तो अपनी इस बेटी का मरा हुआ मुंह देखेंगे आप लोग। चलो बेटी। एक मिनट, इस तरह कैसे जा सकते हैं आप लोग? आप चाय पानी तो पी के जाइए। हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। आप तो इनडायरेक्टली ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे मैं आपके घर आऊंगा तो आप बोली चाय भी नहीं पूछेंगे। आपको जो समझना है आप समझिए। चलो चलते हैं। चलो हा? नहीं, नीचे तक आ रहा हूँ, गेट तक आ रहा हूँ। आ जा। स्वीटी, तू ग्रेट है स्वीटी। मैं तो कहता हूँ कि तू औरत ही नहीं है, मेरा बोलने का मतलब है कि तू देवी है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तूने जो हमारे घर के लिए किया है ना,
बहुत बड़ा दिल है तेरा, बहुत बड़ा। इतना बड़ा भी नहीं है, खबरदार जो मुझे हाथ पकड़े तो। ओए मैंने हाथ लगाया, हाथ उठाया तो नहीं है तुझ पे? ओ तुम्हारा हाथ लगाना हाथ उठाना सेम हैगा। अच्छा, अब मेरा हाथ लगाना और मेरा हाथ उठाना दोनों सेम हो गया है? कोई बात नहीं सूटी, कोई बात नहीं, ले मार मुझे मार। आज जो तूने छुटकी के लिए किया है ना, उसके बाद तू एक बार क्या मुझे हजार बार भी मारेगी ना, मैं उफ नहीं करूंगा। उफ, उफ, उफ। और मार मुझे सुनी, और मार 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 के मुझे घर से बाहर निकाल दे। कहाँ जानती हूँ, अब यही चाहती हूँ मैं आपको घर से बाहर निकाल दूँ, ताकि सीधा अभी इस घर से निकल के उस घर चले जाओ। मेरे बाप मेरी तो क्या करूँ इस आदमी का। क्या करेगी इस आदमी का? ओए आदमी ओए तो ना, मैं तो ढोलक बन गया हूँ, कभी इधर से बज रहा हूँ कभी इधर से बज रहा हूँ, और मुझे तो लगता है कि बहुत ही जल्द मैं ड्रम में तब्दील हो जाऊंगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।